हेलो सीए मेंबर्स, टुडे वी आर लॉन्चिंग फुल मॉक टेस्ट पेपर्स। देखिए, आपके डैशबोर्ड में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड में आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है जिसमें एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज क्विज रहता है और मॉड्यूल वाइज क्विज रहता है। अब यहीं पे ही अगर आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कैसे करना है आपको, यहाँ से ड्रैग करेंगे जैसे ही आप, तो आप टॉप टू डाउन रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से ये रिफ्रेश होगा और यहाँ पे फिर आपको ईसा 3.0 फुल मॉक टेस्ट का ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। इस तरीके का ये फुल मॉक टेस्ट का कोर्स है। यहाँ पे आप इस पर कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दो सेक्शन में बटा हुआ है। एक है गेमिफाइड टेस्ट, ये प्रैक्टिस के लिए है। दो मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं और उसके बाद है यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट में ये पहला है 2 जुलाई को जो चालू होने वाला है। 2 जुलाई में आप ये टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कब ये टेस्ट पेपर खत्म होने वाला है और कब ये स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट ये 1 day 6 hours लेफ्ट इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो मतलब इसके बाद आप इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट का बटन आ जाएगा तो आप स्टार्ट क्विज कर सकते हैं। ये 4 hours का टेस्ट पेपर्स रहेगा और आपको 4 hours के अंदर इसको कम्प्लीट करना है। यहाँ पे कम्प्लीट करने के बाद आपको इस पे करेक्ट आंसर्स जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, विद एक्सप्लेनेशंस आप पूरे मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे फिर ये 4 जुलाई को मॉक टेस्ट चालू होने वाला है और ये 6 जुलाई को। इस तरीके से 3 मॉक टेस्ट आप यहाँ पे विजिबल है जो कि आपके डैशबोर्ड में आपको दिख जाएंगे और उस डेट पे ये आप चालू कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट अभी चालू नहीं होंगे, ये तीनों 2 जुलाई, 4 जुलाई और 6 जुलाई को ही ये चालू होंगे और 4 hours के अंदर आपको ये कम्प्लीट करना रहेगा। और इसमें आप कभी भी पूरे दिन इसमें कभी भी आप चालू कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पर्टिकुलर टाइम पे आपको चालू करना है। चालू आप कभी भी कर सकते हैं पर आपको 4 hours के अंदर उसको कंप्लीट करना रहेगा। फिर यहाँ पे जो गेमिफाइड टेस्ट है, अब ये क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। देखिए, गेमिफाइड ये नाम कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने ICAI के टेस्ट से लिया है, गेमिफाइड टेस्ट। अब इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ICAI की डिजिटल लर्निंग हब की वेबसाइट। जो डिजिटल लर्निंग है वेबसाइट है जहाँ पे आप ई लर्निंग कंप्लीट कर रहे हैं, वहीं पे आप अगर प्रोडक्ट टाइप पे जाएंगे और प्रोडक्ट टाइप में असेसमेंट्स पे जाएंगे तो असेसमेंट्स में यहाँ पे आपको 2 products दिखेंगे। ये 2.0 का है, ये अब कोई काम का नहीं है क्योंकि ये कोर्स का अब बंद हो चुका है। आपको जाना है 3.0, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0 गेमिफाइड असेसमेंट। तो यहाँ से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब देखिए, इंस्टीट्यूट ने 2 mock test papers आपको दे रखे हैं। 120 क्वेश्चंस के 2 mock test papers हैं, 240 क्वेश्चंस टोटल। तो इस तरीके से जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको असेसमेंट 1 में दिखेगा और असेसमेंट 2 दिखेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट तो दे सकते हैं पर आपको करेक्ट आंसर्स पता नहीं चलेगा और ना ही उसका कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जब आप ये असेसमेंट यहाँ पे करेंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बस एक फाइनल मार्क्स मिलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आपको उसके अलावा और कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2 में, उन सारे क्वेश्चंस को हमने हमारी वेबसाइट पे इस तरीके से एक 2 mock tests क्रिएट किया है। यहाँ पे आप अगर जब आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो सेम यहाँ पे भी वही 120 क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं 120 क्वेश्चंस। अब वहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि आप वहाँ पे आंसर्स को चेक नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको ये चेक करने का ऑप्शन दिया है। चेक आंसर करेंगे तो आप ये सही है कि गलत वो भी आप चेक कर सकते हैं, विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये एडिशनली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से हमने पिक किया है, इसीलिए ये गेमिफाइड टेस्ट यहाँ पे नाम दिया गया है और ये आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इंस्टीट्यूट का भी गेमिफाइड टेस्ट, जो कि यहाँ पे आपको मैंने बताया जिस तरीके से आप जा सकते हैं, यहाँ पे आके आप ये दोनों असेसमेंट दे सकते हैं, असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2। तो ये है पूरा कंप्लीट कवरेज जो कि मॉक टेस्ट का है। उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आप लोगों ने लेक्चर्स मॉड्यूल वाइज जो लेक्चर्स आपको मिले हैं, हर चैप्टर के आपको लेक्चर्स मिले, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और साथ में आप टॉपिक वाइज क्विज भी सॉल्व कर रहे होंगे। टॉपिक वाइज क्विज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये मॉड्यूल वाइज क्विज है। अगर हमें एक पूरा मॉड्यूल जब अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम इस मॉड्यूल वाइज क्विज पे आ सकते हैं। और अब जब लास्ट स्टेज आ चुका है, 1 week बिफोर एग्जाम, यू कैन स्टार्ट फुल मॉक टेस्ट पेपर्स। यहाँ पे आपका ओवरऑल असेसमेंट हो जाएगा और ये अब एक फाइनल है, इसके बाद आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।